सब लोग मौत की गाड़ी में सवार हैं फिलहाल। अभी अभी अपन भी नहीं बोले इसके ऊपर। सबकी सांसें ऐसे थमी हुई हैं। अब ऐसे कोशिश ये कर रहे हैं कि सब लोग एक्साइटेड रहें, अच्छे अच्छे से बात करें, टाइम कट जाए, क्योंकि जो रास्ता है वो इतना ही है कि हमारी गाड़ी जो है वो रास्ते पे आ जाए। और मम्मी मम्मी कोई नहीं करेगा। हाँ मम्मी मम्मी कोई नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि मम्मी आने वाली नहीं है, ना उनको सुनने वाला है। कोई हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, उससे शायद थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो खाई खाई दिखाएंगे अभी। अरे अभी कुछ नहीं मिले, आगे मौका मिलेगा। अरे नहीं, पीछे पीछे वाले लोग, जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तो सब लोग आगे ना। अरे आगे 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 वाले भाई, अरे चिन्नू भाई छूट गया। सांकरी से तालुका का रास्ता है और NH 24 नहीं है तो सबसे टॉप जो लेवल का NH है ना। हाँ यमुना यमुना एक्सप्रेस वे राइड एक्सप्रेस। तो लो जी अभी आ गया है हमारा डेंजर एरिया यहाँ से। ये रोड के नीचे सीधी खाई है, ये हमारी टांगे जैसे लटक रही है, और इसके नीचे अगर हम कूदते हैं तो समझो छुट्टी है ना। हाँ नीचे का देखा, ये देखिए नजारा असली वाला भाई, क्या बोल रहे हैं आराम से। अभी देखा ये रोड, और यहाँ से लैंडस्लाइड भी हो रखी है भाई। ये तो गाइस कैसा लग रहा है अभी? सासा लग रहा है, सासा लग रहा है। अब कुछ चुप करो थोड़ी देर। हाँ बहुत प्यारा भाई, ये देखो यहाँ पे तो नीचे मिट्टी भी जा रखी है। ओए भाई ये देखो। और ये रोड, ओ भाई भाई भाई, ये देखिए आसान ही है, गाड़ी ट्रैक्टर आया भाई, रुक जाओ। तो शुक्र है ऐसी जगह पे आया जहाँ पे थोड़ी स्पेस है, और नहीं थोड़ा आगे होता तो भाई कोई चांस नहीं था। ये देखो तो इतना ऐसे एडवेंचरस भी है, खतरनाक भी है। कमजोर दिल वालों के लिए ये रास्ता बना नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे छत पे बैठना तो समझिए कि वो कौन सी होती है राइड जो इसमें फन पार्क में होती है ना। भाई भाई ये रोड पे देख लो समाधि लाइन में कितनी जगह बची हुई है, कुछ भी नहीं है। बबलू भाई कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तो थोड़ा दिखना चाहिए ना। जन्म लिया सफल उठा मेरा, आज के दिन के लिए मैंने जन्म लिया था धरती से, आज के दिन के लिए पैदा हुआ था मैं खाली। और भैया कुछ बोलना? और हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल बिल्कुल बोल दो। क्या बोल रहे हैं बाकी अपने अपने ट्रैक्टरों में देखा जा रहा है इनकी हालत कैसी हो रही है। अपने घर वालों को कोई संदेश देना चाहते हैं? भैया सिर्फ भगवान से कहना चाहूंगा, हे भगवान मैंने जो भी पाप किए हैं उसको माफ कर रहा। और आखिरी ख्वाहिश कोई? बस एक कोई ख्वाहिश नहीं रह गई, नहीं 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 ये तो फिर वो चीटिंग वाली बात होगी ना। हमारा ग्रुप ब्रो
आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, अगर आपको लग रहा है तो? सर कहने लायक बच रही कि तो हमारे साथ धोखा हुआ है। इतना इतना दिन दुख से धोखा कहाँ हुआ है? पहाड़ों में तो एडवेंचर भगवान ने धोखा दिया। नहीं नहीं अभी अभी तक तो अपने साथ ही भगवान ना तभी तक हम बात कर पा रहे हैं। हाँ जी सर यार ये वीडियो बनना ऐसा वैसा कुछ मत बोलो। माय गॉड जो लोग बीच में अंदर बैठे हैं उनको तो क्या कह सकते हैं ना, मजे खत्म है चारों के ना, मतलब उन्होंने देखा ही नहीं ना। क्या गाना लगाओ, मेरे फोन में गाना नहीं है ना। क्या ये क्या बनाए? हाँ ओह माय गॉड, ओह यार 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 क्या रोड है वो नीचे नदी, यहाँ से कम हुई 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 ये वाली मजेदार है भाई। रास्ता तो मजेदार है यार, है ना, मतलब देहरादून से सागरी तक इतना मजा नहीं आया होगा आपको। ये जिस दिन ये अच्छा रोड बन जाएगा ना पक्का, उस दिन इस रास्ते का मजा खत्म हो जाएगा, है ना। नहीं नहीं जान तो यहाँ आने जाने वालों की वैसे भी नहीं निकलती, हाँ ट्रेकर जाते हैं उनके लिए ठीक है। हाँ तभी तो इस ट्रैक के दो पार्ट हो गए ना, ये पहला पार्ट तो ये कि सांगरी से तालुका तक की राइड ये, और उसके बाद पैदल का ट्रैक है वो अलग पार्ट हो गया। इसको टोपी का ध्यान करना, इसका मस्त आ रहे हैं सच में यार, देवदार के पेड़ होते हैं ना पहाड़ों में, मतलब पहाड़ों की शान ये बताते हैं। हाँ आएंगे आगे और आएंगे, मतलब जूस यूज करेगा, ब्रांच का जूस, ब्रांच का जूस लेना। तो बड़ा पेड़ गम में लग रहा है, अभी मिलेगा ना। हाँ हाँ कौन बड़ी सबको मिलेगा, इतना पहुँच दिया है तुम्हारा तुम्हारा जरूर। ब्रो क्या नाम है, कहाँ से आए आप? केरला से, अश्वन। अश्वन ठीक है, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? मैंने सिर्फ ये रिग्रेट है कि इतना लेट हुआ। चलो देर आए दोस्त आए, है ना, 20 साल ट्राई करना था। ओके नहीं नहीं कब, क्या होता है ना हर चीज़ का एक टाइम होता है वो जिस टाइम पे होना होता है तभी होता है। तो ये भाई केरला से आए हैं,
और ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट लोकेशन पे बैठे हैं इस गाड़ी में। पूरा का पूरा जो नीचे का नज़ारा है, इसके अंदर की हालत तो यही जानते हैं, हम नहीं बता सकते क्या है, बट हाँ बोल ये रहे हैं कि मज़ा आ रहा है। वहाँ तो रहा है मज़ा, हमें भी थोड़ा थोड़ा, पर धक धक भी हो रहा है ऐसे जोर जोर से कि भाई एक छोटी सी गलती है, टाटा गुड बाय ख़त्म। जब पेड़ ये सामने आते हैं तब थोड़ा जाके तसल्ली होती है कि हाँ वाह कुछ थोड़ा नज़ारा भी है और डर वाली बात भी नहीं है। वाह ये वाले फूल, ये है एक्चुअली में यहाँ का असली ट्रांसपोर्ट मोड। वाह यार यहाँ पे ये पूरे रोड में ऐसा ही है। एक बार सामने बहुत अच्छे अच्छा स्नो वाला, अरे वो तो कमाल ही है। अरे यार ऐसे रास्ते में ना किसको स्नो दिखती है, बंदे का ध्यान रहता है, मतलब दोनों हाथ तो उसके कि कोई ना कोई कुछ हिस्सा गाड़ी का पकड़ के रखे। यहाँ पे बहुत कमाल का ब्रिज आया है, वो ब्रिज आप देख के हैरान हो जाएंगे। ब्रिज है लकड़ी के फट्टों का और ऊपर से ये जो झरना आ रहा है, और ये ब्रिज की चौड़ाई देखिए इतनी है कि गाड़ी निकले सारे को डरे ना। भाई दिखने में तो मजेदार लग रहा है ये रास्ता, पर जिस पे चले ना हो ही जाता है। ये गांव है, इस गांव का नाम है तालुका। ये खेत है इस तरफ बहुत है, अरे आगे यहाँ के सारे गांव सुंदर सुंदर हैं। हाँ इधर ऐसे ही घर बनते हैं, ये देखो सारे के सारे लकड़ी के। गांव के बीच में शायद तालाब है छोटा कोई पानी का। इतना प्यारा गांव है ना, छोटा सा गांव है। हाँ जी तो कैसा रहा? बहुत सही। बहुत नहीं नहीं आपने सब कुछ मिस कर दिया। क्यों? अरे ऊपर वालों को पूछो, असली मजा तो ऊपर बैठ के आने का है। हाँ क्या? हाँ हाँ सामने से, एक मिनट रुको भाई, सामने से एक फोटो लेनी है सबकी। ये खच्चर पोर्टर, इनके ऊपर हमारा कैंपिंग का और किचन का सब सामान आया और यहाँ लोडिंग हो रही है। हाँ जी कैसा लग रहा है? आप कभी ऊपर बैठ के नहीं आए? बहुत आई हूँ, मेरा मन भर चुका है अपनी कमर तोड़वा के। अच्छा ठीक ठीक ये भी सही है, पर फर्स्ट टाइम जो आते हैं उनके लिए तो ऊपर बैठ के बहुत बहुत मजेदार होता है। जाते जाते टाइम जो लोग अंदर बैठ के गए आए हैं ना वो लोग ऊपर बैठ के जाएंगे। ठीक है ओके। हाँ ग्रेट।